नमस्कार, मेरा नाम है अरुण अव भट्टाचार्य जी। IndianMoney.com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक लेके हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम हर किसी के जहन में आता रहता है। क्या फिक्स डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप टैक्स की बचत कर पाएंगे? क्या फिक्स डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम टैक्स की बचत कर पाएंगे, हाँ या ना? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के हर किसी के बीच में होगा और उसका जवाब देने के लिए आज अरुण अभा आपके बीच में मौजूद है। यस, फिक्स डिपॉजिट के द्वारा भी हम लोग टैक्स का बचत कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर FD, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, जो आप एक महीना, पाँच साल, दो साल, तीन साल, दस साल तक का कर सकते हैं। दूसरा होता है टैक्स सेवर FD। टैक्स सेवर FD में मिनिमम लॉक इन पीरियड है 5 साल। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल के पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंड आप उसमें अप टू 1.5 लाख रुपीस तक अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेव कर सकते हैं और आपके इनकम टैक्स में आप उसका बचत कर सकते हैं। सो मान लीजिए 1.5 लाख का बचत आप उससे क्लेम कर सकते हैं, बट 5 साल के पहले आप उसको किसी भी हालात में उठा नहीं सकते। अभी जब भी आप कोई इन्वेस्ट करते हो टैक्सेशन के लिए, उसके दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना होता है। एक होता है जब मैंने इन्वेस्ट किया अपफ्रंट, मुझे ATC के अंदर टैक्स में बेनिफिट मिल गया। दूसरा होता है मैच्योरिटी के समय जो आपका इंटरेस्ट यील्ड होगा उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं अंडर सेक्शन 1010D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये भी आपको हमेशा जहन में रखना है। FD के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ATC के अंडर में तो आपको बचत मिल जा रहा है अपफ्रंट। मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले मेरा ATC का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, मैं FD जाके कर लिया किसी भी बैंक में और मुझे ATC के अंडर में मुझे एग्जेम्पशन मिल गया। बट 5 साल बाद ये जो मैच्योरिटी होगा, वो जो इंटरेस्ट रहेगा, उसको अगर मैं FD में निवेश करता हूँ, वो मुझे उस वहाँ पे मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट्स। उसमें अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर अदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो या आप यूलिप्स में जा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्पस को शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, 1 साल 2 साल के लिए रखना चाहते हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स बेनिफिट, देन मैं बोलूंगा ठीक है, आप जा सकते हो फिक्स डिपॉजिट। बट अगर आपका टैक्स बेनिफिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो मैं आपको बोलूंगा आप FD टैक्स सेवर FD में ना भी जा सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आपको अपफ्रंट टैक्स बेनिफिट तो मिल जा रहा है, बट आपका जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उसके ऊपर आपको साल बाय साल यू हैव टू डिक्लेयर, बिकॉज वो आपके इनकम में एडेड होगा और उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इन दैट केस और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हैं, जैसे मैंने आपको बताया ELSS म्यूचुअल फंड में, उसमें क्या हो रहा है, उसका मिनिमम लॉक इन पीरियड है 3 साल का। उसमें आपको अपफ्रंट तो ATC के अंदर टैक्स बेनिफिट मिल ही जाएगा, उसको छोड़ के आपका जो मैच्योरिटी होगा वो भी आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। उसको छोड़ के आप PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां मैच्योरिटी के ऊपर भी आपको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यही चीज आपको हमेशा जहन में रखना है कि कंफ्यूज मत होइए। फाइनेंशियल डिसीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हमेशा कुछ भी करने से पहले, कहीं पे भी निवेश करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट या पूरा चीज़ समझ लीजिए। बिकॉज आप किसी दोस्त या किसी सलाहकार के पास जाएंगे, मुझे टैक्स बचत करना है, FD में कर सकते हैं कि नहीं, वो बोल देगा हाँ आप FD में निवेश कर दो, टैक्स सेवर FD है, आपने भी कर लिया। 5 साल बाद आप देख रहे हो मैच्योरिटी जब हो रहा है, विद द इंटरेस्ट आपको टैक्स देना पड़ रहा है एज पर योर प्रिवेलिंग टैक्स ब्रैकेट। इसीलिए अगर आपको राइट फाइनेंशियल डिसीजन चाहिए, हमेशा एक एक्सपर्ट के ऊपर निर्भर कीजिए। हमारे वेल डॉक्टर्स मौजूद है आपको इसी तरह के फाइनेंशियल, राइट फाइनेंशियल डिसीजंस देने के लिए, इसी प्रकार के हेल्प करने के लिए, सो दैट यू कैन बिल्ड योर एंटायर फाइनेंशियल लाइफ साइकिल। और हाँ फ्रेंड्स, अभी आप आपका क्रेडिट स्कोर फ्री में जान सकते हैं www.indianmoney.com के द्वारा। अभी लॉगिन कीजिए और जानिए आपका क्रेडिट रेडीनेस। ऑल्सो किसी भी प्रकार का फ्री फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप हमें जस्ट एक मिस कॉल दीजिए 02261816111 में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।